नमस्कार, टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मिन्नुगिरी। अगले आधे घंटे में आपको ऐसे 50 शेयर बताऊंगा जहां सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिली है। साल के कह सकते हैं कि वित्तीय साल के पहले दिन, पहले सीरीज के पहले दिन जो है, जो सीरीज की शुरुआत आज से हुई है नए वित्तीय साल की, आज बाजार में एक धीमा कारोबार हो रहा है। इनफैक्ट प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, क्योंकि देखिए पिछले सीरीज में हमने देखा था बाजार में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग की गुंजाइश थी, वही गुंजाइश देखने को मिली। अच्छी बात यह है कि निफ्टी वापस अभी भी इस प्रॉफिट बुकिंग के बावजूद 9150 के ऊपर टिका हुआ, 9200 को नहीं पार कर पा रहा, लेकिन 9150 से लेकर 9200 के रेंज में लगातार टिका हुआ। लेकिन आज कई सारे स्टॉक्स हैं जो एक जोरदार रैली दिखा रहे हैं, बाजार की दिशा चाहे जो भी हो इन शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। फर्टिलाइजर शेयर में देखिए आज के ट्रेड में एक जोरदार रैली देखने को मिली है। सिरामिक स्टॉक्स में भी आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिल रही है। ये उम्मीद है, आशंका कह सकते हैं, इनफैक्ट यह संभावना कह सकते हैं कि सीमेंट शेयरों में जो है सीमेंट कंपनियां दाम बढ़ा सकती हैं, और इसलिए आज देखिए सीमेंट शेयर में थोड़ी मजबूती देखने को मिल रही है। छोटे मझोले सीमेंट स्टॉक दिग्गजों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। फार्मा के शेयरों में लगातार मजबूती है, और लगातार इस शो में मैं छोटे मझोले फार्मा केमिकल जैसे स्टॉक्स पर जरूर चर्चा करता हूँ, और ये पूरा सेक्टर लगातार बजिंग रहता है। आज भी इस पूरे सेक्टर में खरीदारी देखने को मिली है। तेल गैस शेयर में आज के ट्रेंड में एक अच्छा संकेत देखने को मिला, तेल गैस शेयर में खरीदारी देखने को मिली है। और कैपिटल गुड्स स्टॉक में आज बहुत दिनों के बाद एक तेजी का रुझान देखने को मिला। कल हमने देखा था सेकेंड हाफ में थर्मेक्स जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली थी, कल हमने थर्मेक्स के मैनेजमेंट से बात भी की थी, एक समय शेयर 8% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। तो ऐसे कई सारे स्टॉक्स हैं जिसमें अगले आधे घंटे में हम चर्चा करेंगे, और शुरुआत कीजिए फर्टिलाइजर स्टॉक्स के साथ ही। आज कहीं ना कहीं बाजार में ये एक ऐसा सेक्टर है जो शानदार रैली दिखा रहा है, जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। आज कैबिनेट की यूरिया सब्सिडी को लेकर जो है बैठक होने वाली है, और आज RCF, NFL, दीपक फर्टिलाइजर, मद्रास फर्टिलाइजर से स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिली है। एक और सेक्टर देखिए जहाँ पर तेजी देखने को मिली है, क्योंकि फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता, और ये कंपनी भी जो है कहीं ना कहीं खाने पीने के प्रोडक्ट से जुड़ी हुई है। चावल शेयर में देखिए खरीदारी देखने को मिल रही है। एलटी फूड्स, कोहनू फूड जैसे स्टॉक्स हैं जो आज के ट्रेड में बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। इसका लक्ष्मी एनर्जी में देखिए खरीदारी का देखने को मिल ट्रेंड देखने को मिला है। आज के जानकार आशीष कयाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, चावल शेयर में देखिए आज के ट्रेड में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। एलटी फूड्स ने पूरी तेजी को लीड किया है। सुबह 7:30 बजे फास्ट 50 स्टॉक्स में ये शेयर रिकमेंड भी किया गया था जी बिजनेस पे। कोहनू फूड्स में देखिए वहाँ भी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। क्या राय होगी आपकी, चावल शेयरों में कौन सा शेयर आप पसंद करेंगे? देखिए, पहले तो जो मजबूती देखने में वो काफी बेहतरीन है। अगर आप एलटी फूड्स की बात करें तो एलटी फूड्स ने बहुत ही बेहतरीन रिटर्न पिछले थोड़े महीनों में दिया है। 25 रुपए से चलकर आज के डेट में करीबन 67-68 के आसपास पहुंच चुका है, तो काफी बेहतरीन स्टॉक है। पूरा राइज इंपल्सिव फॉर्म में है, तो लगता है यहाँ से एक नया ट्रेंड ऊपर का और शुरू हो चुका है। यहाँ पर एलटी फूड्स को खरीदा जा सकता है, लेकिन थोड़ा संभल कर ट्रेड करना चाहिए क्योंकि रैली काफी हो चुकी है। स्टॉप लॉस नीचे लगा के रखना होगा करीबन 60 रुपीज के आसपास का, ऊपर में टारगेट करीबन 78-80 के आसपास का देख पाएंगे। 78-80 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है, 62 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस है, 60-62 के आसपास का। बहुत अच्छी तेजी देखने को मिल चुकी है ऑलरेडी शेयर में। आशीष मानते हैं कि अगर आपके पास है तो होल्ड कीजिए, खरीदारी करना है तो स्टिक स्टॉप लॉस साथ खरीदारी कीजिए। यहाँ से उनको लगता है कि 10-15 रुपये का अपसाइड और भी देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस को रिवाइज कीजिए, 68 नहीं, ये 62 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। 66-85 पे शेयर ट्रेड कर रहा है, तो स्टॉप लॉस आपको 62 के आसपास लगाना है। 80 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। आज एक और सेक्टर देखिए, चूंकि जो चावल कंपनियाँ हैं वो केमिकल का इस्तेमाल करती हैं उसको उगाने के लिए, तो चावल कंपनियों की तरफ से, और आज देखिए केमिकल शो में खरीदारी देखने को मिली है। इंडिया ग्लाइको, नो सेल, बोदल केमिकल, दीपक नाइट्रेट, UPL जैसे स्टॉक्स है जो बेहतर परफॉर्म करें। खासतौर पर UPL देखिए एग्रो केमिकल के कारोबार से जुड़ी हुई कंपनी है। दीपक नाइट्रेट भी कमोबेश जो है एग्रो केमिकल सेगमेंट को ही जो है कटा करती है, उस सेगमेंट में प्रोडक्ट को सप्लाई करती है। नोसेल टायर के कारोबार से जुड़ी कंपनी है, टायर केमिकल बनाने कारोबार में। कमोबेश क्या राय होगी, केमिकल एक ऐसा सेक्टर है आशीष कि बाजार की दिशा चाहे जो भी हो, बाजार नीचे हो ऊपर हो, इस सेक्टर में 5 या 6 ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो बेहतर परफॉर्म करते हैं, क्या इसमें से कोई 5 शेयर आपको भरोसेमंद लगता है या इसके अलावा कोई शेयर आपको पसंद है? देखिए, ओवरऑल केमिकल स्पेस में काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस देखा जा रहा है, और ये काफी टाइम से रैली चल रही है। अगर आप देखें बोडल केमिकल, इसने काफी अच्छा रिटर्न दिया है और अभी भी ऊपर ब्रेकआउट दे रहा है, तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। बोडल केमिकल को खरीदा जा सकता है, स्टॉप लॉस नीचे में करीबन 150 का लगा के रखना होगा। नौसिल ने भी बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया है, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, फिलहाल मोमेंटम अच्छा बना हुआ है, तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बेहतर होगी। अगर 90 रुपए के आसपास नौसिल आता है
तो वहां पर खरीदी की जा सकती है। नीचे में स्टॉप लॉस 85 का लगा के रखना होगा, और अगर आपके पास पोजीशन है तो ट्रेलिंग स्टॉक का मेथड फॉलो करिए, इससे ये इंश्योर होगा कि पूरा ट्रेंड आप कैप्चर कर पाएंगे जब तक ये ट्रेंड जारी है। तो ट्रेलिंग स्टॉक का मेथड बेस्ट स्ट्रेटेजी है ऐसे स्टॉक्स में फॉलो करने के लिए। तो नोस्टिल और बोदल केमिकल दो ऐसे शेयर होंगे जो पसंद है आशीष को, लगता है कि दोनों शेयर में मजबूती यहाँ से देखने को मिल सकती है। दोनों शेयर में खरीदारी करने का आपके पास है तो होल्ड करके चल सकते हैं, यहाँ से तेजी का रुझान देखने को मिल सकता है। एक सेक्टर देखिए जो बीते दो तीन दिनों में अच्छा खासा बज किया है, खासतौर पर जब BS3 नॉर्म्स पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हमने देखा कि कई सारे ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक्स हैं उसमें एक जोरदार रैली देखने को मिली, जहाँ ऑटो कंपनियों को झटका लगा, थोड़ी दिक्कतें माना जाए कि शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। वहीं ऑटो इंश्योरेंस कंपनियों को लेकर ट्रिगर ये निकल के आया कि इनको अच्छे ऑर्डर्स मिल सकते हैं वापस से। हमने देखा युकाल फील, शिवम ऑटो, मुंजाल ऑटो, मुंजाल सुबह इससे स्टॉक्स में खरीदारी थी, जय भारत मारुति में तेजी थी। आज के ट्रेड में देखिए टलब्रस ऑटो, बैंको प्रोडक्ट, फेडरल मगोल, शारदा मोटर, रानी इंजिंग जैसे स्टॉक्स से जहां खरीदारी देखने को मिली। बैंको प्रोडक्ट इनफैक्ट आज का सुपर शेयर भी था जो 9:30 बजे बताया गया था, करीब 4% की मजबूती है। क्या इसमें कोई शेयर आपको लगता है यहां से सेकेंड हाफ में और अच्छी मजबूती दिखा सकता है या अगले एक दो दिनों में बेहतर फॉर्म कर सकता है, या आपको भी अभी भी लगता है कि नहीं प्रिकॉल, सोना कोयो जैसे ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक्स उस पे ही दाव लगाना चाहिए? देखिए ओवरऑल ये सब स्टॉक्स में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, मुंजल ऑटो है जिसे कंसीडर किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा संभल कर काम करना होगा क्योंकि या तो रैली काफी हो चुकी है या तो वो स्टॉक रेंज में है। जो ऑटो एंसिलरी स्पेस में से सुंदरम क्लेटन एक ऐसा स्टॉक है जो काफी बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है और बहुत टाइम से अच्छे ट्रेंड में, तो वो स्टॉक पे नजर बनाए रखे, अगर डिप्स मिलते हैं तो वहां पर बाइंग की जा सकती है। तो ये कुछ एक ऐसे स्टॉक्स अगर थोड़ा इसमें गिरावट आती तो खरीदारी के अगर चल सकते, टर्बलो ऑटो में करीब 4% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। आज एक काफ़ी दिनों के बाद ये ट्रेंड देखने को मिला है कि मेटल स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली, बाजार कमजोर है लेकिन मेटल शेयर बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। सामान तौर पर ट्रेंड होता है कि बाजार के साथ ही चलते हाई बीटा नेचर के स्टॉक्स है, लेकिन आज उन्होंने जो है ट्रेंड के विपरीत ये काम कर रहे हैं। हिंडाल्को में देखिए करीब 3% के आसपास की मजबूती, नैल्को करीब 1% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है, लेकिन टाटा स्टील, NMDC, सेल जैसे स्टॉक्स में थोड़ी खरीदारी देखने को मिल रही है। आपकी क्या राय होगी मेटल स्टॉक्स में, आपको लगता है कि अभी चमक और भी देखने को मिलेगी, ये शेयर और भी मजबूत होंगे और भी बेहतर रिटर्न दे सकते हैं? देखिए मेरे ख्याल से पिछले एक साल में सबसे बेहतरीन रिटर्न मेटल क्षेत्र ने दिया है, ओवरऑल परफॉर्मेंस जो हिंडाल्को का, टाटा स्टील का है, काफी अच्छा रिटर्न ऑलरेडी दे चुके हैं ये स्टॉक। तो अगर ट्रेडर इन्हें खरीदना चाहते हैं तो निवेश किया जा सकता है इन लेवल्स पे। ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से शॉर्ट टर्म होराइजन से, 2 हफ्ते के होराइजन से टाटा स्टील और हिंडाल्को को कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो एक बार होल्ड करना चाहिए क्योंकि ये रैली हो चुकी है, जो भी रिट्रेसमेंट आता है करीबन 38.2 या 50% के आसपास वहां निवेश करिए। फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए हिंडाल्को और टाटा स्टील बेहतरीन पिक्स लगते हैं। तो छोटी अवधि के लिए चाहें तो आप हिंडाल्को और टाटा स्टील दो ऐसे शेयर हैं जो आप खरीदारी करके चल सकते हैं, उसमें मजबूती देखने को मिल सकती है। टाटा स्टील और हिंडाल्को दो शेयर होगा जो शॉर्ट टर्म इनको लगता है खरीदारी करनी चाहिए, यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। एक सेक्टर देखिए कंज्यूमर गुड्स स्टॉक्स, जहाँ पर थोड़ी खरीदारी देखने को मिली है, MIRC में तेजी है, एवरेडी, मिर्जा इंटरनेशनल, एक्सो फुटवेयर, लिबर्टी। एक तरफ कंज्यूमर गुड्स में आप देख सकते हैं कि MIC इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स प्रोडक्ट है, यहाँ तेजी है। दूसरी तरफ लेदर शेयर है जहाँ तेजी देखने को मिल रही है। कह सकते हैं कि खपत वाले स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है, क्या राय होगी? ये लिस्ट बहुत लंबी तो नहीं है, जितने सेगमेंट है इस सेगमेंट से जुड़े हुए कंज्यूमर गुड्स से, इस लिस्ट में कोई पसंद है आपको या इसके अलावा कोई शेयर आपको लगता है कि नहीं खरीदारी करनी चाहिए, वो ज़्यादा बेहतर रिटर्न दे सकता है? देखिए ये लिस्ट में से अगर आप देखे जाए तो मेरे ख्याल से MIRC जो है उसने अभी ब्रेकआउट दिया है पिछले ही 2 दिनों में और अच्छा खासा ब्रेक दिया, तो पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक यहाँ से चलकर करीबन 18 रुपए के आसपास आ सकता है। अगर मर्क इलेक्ट्रॉनिक वो लेवल पे मिलता है तो मेरे ख्याल से एक अच्छा टारगेट बन सकता है, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है। नीचे में करीबन 13 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और ऊपर में 17 से 18 रुपए का एक टारगेट है जो इस स्टॉक के अंदर देखा जा सकता है। तो ये स्टॉक से उसके अलावा रिलैक्सो फुटवेयर एक ऐसा स्टॉक है जिसने वापस से एक अच्छा रुझान दिखाया है, काफी टाइम से कंसोलिडेशन में था, तो रिलैक्सो फुटवेयर को कंसिडर किया जा सकता है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड भी बेहतरीन है, ऊपर में करीबन 540 का एक टारगेट लगा के रख सकते हैं रिलैक्सो फुटवेयर के। तो ये कुछ एक ऐसे स्टॉक्स है जहाँ पे मजबूती देखने को मिल सकती है, उनको खरीदारी करने से लग रहे हैं, लेकिन कुछ और स्टॉक्स देखिए जो जिसमें कहीं ना कहीं गर्मी का ट्रिगर है, और सामान्य तौर पर आशीष ये ट्रेंड देखने को मिलता है कि सिम्फनी, वोल्टाज जैसे स्टॉक जो हैं
ईयर हाई अपना जो है मई के महीने में ही बनाते हैं, जब गर्मी पूरे कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, इन शेयरों में भी गर्मी देखने को मिलती है। भले ये काम लोगों को ठंडा करने का, घरों को ठंडा करने करते हैं, वोल्टास देखिए हमेशा मई के आसपास ही तेज़ी बनाता है, वोल्ट अपना ईयरली हाई छूता है, सिम्फनी, लॉयड इलेक्ट्रिक जैसे स्टॉक्स हैं, ब्लू स्टार जैसे स्टॉक्स हैं, उसमें यही कहीं ट्रेडिंग ट्रेंड देखने को मिलता है ब्लू स्टार में। क्या राय होगी इसमें, कोई शेयर आपको लगता है जिसमें एक महीने के लिहाज से खरीदारी करनी चाहिए और ठीक ठाक रिटर्न देखने को मिल सकता है, 10-15% का मिल जाता है डेढ़ महीने में, तो कह सकते हैं कि डिसेंट रिटर्न होगा? देखिए सिम्फनी एक ऐसा स्टॉक है जिसमें खरीदी कर सकते हैं, जैसे आपने भी बताया गर्मी के मौसम में ये स्टॉक में गर्माहट देखने मिलती है, वही जो नजरिया सही है क्योंकि वोल्टास ने भी नया लाइफ टाइम हाई छुआ है और सिम्फनी में भी, तो मेरे ख्याल से ये दो स्टॉक को कंसिडर किया जा सकता है। सिम्फनी अगर आप बाय करते हैं तो नीचे जो स्टॉप लॉस लगा के रखना करीबन 1423 के आसपास का एक स्टॉक निकल कर आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, वहाँ एक 50 डेज मूविंग एवरेज भी आता है, तो वहां पर एक स्टॉप लगा सकते हैं। ऊपर में 1700 का टारगेट पहला होगा जो देखा जा सकता है 15 दिन के होराइजन से, और वोल्टास दूसरा स्टॉक है जहां पर बाइंग करने की कंसिडर किया जा सकता है। नीचे में जो लेवल है 396 का एक प्रीवियस पिवट हाई बनाया था, वहीं से ब्रेक करके एक पॉजिटिव रुझान दिखाया, तो 395-396 बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल हो जाएगा अभी जो सपोर्ट बनेगा, तो जब तक ये सपोर्ट बरकरार है ऊपर में करीबन 440 का लेवल वोल्टास में देखा जा सकता है। तो वोल्टास और सिम्फनी दो ऐसे शेयर होंगे जिसको अगर आप एक महीने के नज़र से देखते हैं तो अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। वोल्टास में 395 का आपको स्टॉपस लगाना होगा, इस शेयर में जो है 440 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। सिम्फनी भी एक शेयर है जिनको पसंद है, 1700 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है, 1423 के आसपास का स्टॉपस लगाना होगा। ये दोनों शेयरों पर अगले डेढ़ महीने एक दो महीने के लिहाज से आप नज़र बना के चल सकते हैं, एक बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। लेकिन आज के इंट्राडे की बात करें तो फर्टिलाइजर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें एक अच्छी रैली देखने को मिले, कैबिनेट की एक अहम बैठक होने वाली है, माना जा रहा है कि सब्सिडी को लेकर कुछ बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंचल काकरू जुड़ चुके हैं। अंचल, जिस तरह से आज फर्टिलाइजर शेयरों में तेजी देखने को मिली है, यह उम्मीद तो है कि कुछ बड़ा फैसला हो सकता है, कितनी बड़ी कितनी ज्यादा सब्सिडी मिल सकती है और सब्सिडी का अभी का क्या ट्रेंड है? देखिए कितनी ज़्यादा मिलेगी वो कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ ये ज़रूर उम्मीद लगाई जा रही है और आकलन यही कह रहा है कि शायद आज कैबिनेट फैसला ले लेगा जो सब्सिडी पे आउट होता है उसे बढ़ाने का, और ये कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा राहत होगी, बहुत बड़ी राहत के तौर पे आती हुई दिखेगी, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी समय से कंपनियाँ मांग कर रही थी कि जो सब्सिडी प्राइसेज हैं उनको रिवाइज किया जाए, सब्सिडी को बढ़ाया जाए, और अगर आज कैबिनेट ये फैसला ले लेती तो डेफिनेटली कंपनी को राहत मिलेगी। देखिए जो बदलाव हो रहे हैं वो बदलाव बेसिकली हो रहे हैं जो इंपोर्ट पैरिटी प्राइस के हिसाब से अभी तक सब्सिडी मिलती थी, 2015 का जो एक्ट था जो फर्टिलाइजर पॉलिसी थी उसके तहत इंपोर्ट पैरिटी प्राइस के हिसाब से कंपनी को सब्सिडी दी जाती थी, लेकिन आज कैबिनेट में जो प्रपोजल है उसमें साफ तौर पे बात की जाएगी कि इंपोर्ट पैरिटी प्राइस के साथ साथ जो बाकी मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं जैसे कि पोर्ट हैंडलिंग चार्जेस हैं उनको भी इंक्लूड किया जाए, कस्टम्स को भी इंक्लूड किया जाए, अगर ये चार्जेस इंक्लूड कर दिए जाते हैं तो सब्सिडी डेफिनेटली बढ़ती हुई दिखेगी और कंपनियों को और ज़्यादा राहत मिलेगी। जहाँ तक रही बात अभी तक की सब्सिडी ट्रेंड का, देखिए FY16 में RCF ऑलमोस्ट 4,500 करोड़ से ज़्यादा की सब्सिडी सरकार से मिली, तो वहीं NFL को 5,400 करोड़ से ज़्यादा की सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी, दीपक फर्टिलाइजर के केस में ऑलमोस्ट 500 करोड़ की सब्सिडी आती हुई दिखी, वहीं फैक्ट को 530 करोड़ की सब्सिडी मिली और GNFC को 5494 यानी ऑलमोस्ट 500 करोड़ की सब्सिडी मिली। तो ये जो आंकड़े हैं ये FY16 में इस तरह रहे, FY17 में अगर अभी आज ये फैसला हो जाता है तो FY17 में नहीं बट FY18 से कंपनियों की जो नंबर्स हैं वो शार्पली इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। कहीं ना कहीं सब्सिडी का ये बदलाव जो हो सकता है कंपनियों के लिए बेहतर पॉजिटिव ट्रिगर होगा, यही वजह है क्या, देखिए तमाम फर्टिलाइजर स्टॉक्स में एक अच्छी मजबूती देखने को मिले। शुक्रिया अंचल, क्या राय होगी आशीष जल्दी से फर्टिलाइजर स्टॉक्स में, आज हम देख रहे हैं एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है, जो सबसे ज़्यादा तेज है उसी के साथ जाना पसंद करेंगे या जिसमें भी खरीदारी नहीं आई है बहुत ज़्यादा उसको खरीदने की सलाह देंगे? देखिए फर्टिलाइजर स्टॉक्स में से दीपक फर्टिलाइजर एक ऐसा स्टॉक है जिसने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी बेहतरीन है। इसमें अगर आप देखे जाए तो थर्ड वेव जो बोलते हैं सबसे स्ट्रांग वेव है वो चालू होने की गुंजाइश है। यहाँ पर जो ऊपर का लेवल है 280 ब्रेक करना इंपॉर्टेंट होगा, 280 एक रेजिस्टेंस, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो बहुत ही बेहतरीन चाल स्टॉक के अंदर देखी जा सकती है, तो मेरे ख्याल से दीपक फर्टिलाइजर को कंसिडर किया जा सकता है और पॉजिटिव न्यूज के चलते हुए ओवरऑल टेक्निकल पर्सपेक्टिव पॉजिटिव रखते हुए ये स्टॉक काफी बेहतरीन प्लेस है अभी बाय करने के लिए। तो दीपक फर्टिलाइजर शेयर इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं, यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है, अभी करीब 7% के आसपास की मजबूती के साथ ये कारोबार कर रहा है लेकिन दिन के ऊपरी स्तर पे कारोबार कर रहा है। याद रखें ऐसे स्टॉक्स में सामान्य तौर पे सेकेंड हाफ में करीब 1:30-2 बजे के बाद एक बड़ी तेज़ी थोड़ी तेज़ी और बढ़ती हुई दिखती है, थोड़ी तेज़ी एक्सटेंड होती है।